जरा बता दें, मेरे ख्याल में जिक्र नहीं ठीक है, बता दूँ कहाँ से आए विचारों इसका। ये है ना कि रोज़ाना 66 मरतबा 66 सफ़ेद कागज़ पर काली पेंसिल से अल्लाह लिखें, लिखेंगे ना थोड़े दिन लिखेंगे ना, तो जो आप कागज पे लिखते थे ना वो आंखों पे तैरना शुरू हो जाएगा, ये एक अमल बन जाएगा 66। जब आंखों में तैरना शुरू हो जाए तो ये तुम्हारा कमाल है, फिर लिखना बंद कर दें, फिर आंखों से तवज्जो से दिल की ओर होता है, ये अल्लाह का करम है। ये अगर उसने चाह तो जो कागज पे लिखते थे ना वो तो दिल पे लिखा नजर आएगा। उसके लिए अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे कुछ बंदे हैं जिनके दिलों पे ईमान लिख दिया, यानी ये पुलिस की मोहर पूछने की जरूरत नहीं पुलिस वाला, ये अल्लाह की मोहर पूछने की जरूरत नहीं अल्लाह वाला। वो फिर जो लिखा जाएगा जिस तरह तुम तसव्वुर करते थे उसी तरीके से काला सा यहाँ आएगा, फिर उसके बाद दिल की धड़कन उभरेगी, वो उसकी तस्बीह है टिक टिक टिक, उस टिक टिक के साथ अल्लाह मिलाए, जो जो उसमें अल्लाह आती जाएगी वो जो काला साजा था वो सफेद होता जाएगा। फिर एक दिन ये होगा कि अल्लाह खूब होगा जब जिस्म में तो वो भी खूब चमक रहा होगा, रात को सोने लगे उंगली को कलम ख्याल करें दिल के ऊपर अल्लाह लिखते लिखते सोए, किसी में नींद आ जाए आधी रात के वक्त, इस दुनिया में खास फिश्ते आते हैं और करामन का आदमी से पूछते हैं हर आदमी के बारे में कि बताओ इसका आखिरी अमल क्या था जब ये सोने लगा था, पता नहीं सोया इसकी जान है या नहीं, भाई ये ईशा की नमाज पढ़ के सोया था, दुआ देते हैं अल्लाह ताला इसको और खुश रखे, ये दूसरी पढ़ के सोया था अल्लाह ताला इसको भी खुश रखे, और ये अल्लाह पढ़ते पढ़ते उसी की मस्ती में सो गया था। फिर आपस में कहते हैं खामोश आस्था बात करो शायद उसकी याद में आंख लग गई, सुबह उठे वुजू है या नहीं, दिल का वुजू पानी से नहीं होता, सारा दिन पानी में पड़े रहे पानी दिल में जाएगा नहीं, जिक्र खफी करते रहे लोग जिक्र खफी को जिक्र कल्बी समझते हैं, नहीं जिक्र खफी और है जिक्र कल्बी और है, जब तक दिल की धड़कन के साथ जिक्र नहीं मिलता वो जिक्र खफी कहलाता है, जब धड़कन के साथ मिलता है वो जिक्र कल्बी कहलाता है। ये इसका तरीका है कि जहाँ महफिलें होती हैं वो जरबे लगाते हैं अल्लाह अल्लाह, उन जरबों का मकसद क्या है, बाद लोग इसी तरह जरबे लगा के चले जाते हैं, फिर देवबंदी सही कहते हैं शोर मचाते हैं, लेकिन मकसद ही नहीं है, उन जरबों का मकसद ये है कि जब जूब जरबे लगाएगा तो दिल की धड़कने उभरेंगी, जब धड़कने उभरे तो उनके साथ अल्लाह मिलाए, अगर वो अल्लाह उनके साथ नहीं मिला सकता है तो फिर शोर ही है ना उसका। ये काम तो इंसान का है, आगे अल्लाह जिसको चाहेगा उसके अंदर से अल्लाह लशम हो जाए। अगर जिक्र से गर्मी आए तो दुरूशी पढ़े वो इसको ठंडा कर दे, फिर गर्मी आए फिर दुरूशी पढ़े वो इसको ठंडा कर दे, दिल को साफ करने का यही तरीका और कोई तरीका नहीं। हर आदमी समझता है कि मेरा दिल साफ है, ये उसको वहम है, हर आदमी समझता है बहुत बड़ा गुनहगार है वो भी समझता है गुनाह किया तो क्या दिल तो मेरा साफ है ना, यही कहता है ना, नहीं ये गलत है, ये जो दुनिया है ये हमारी दुनिया नहीं थी, ये जिन्नों की दुनिया थी, ये तो मानते हैं ना, तबलीस इस दुनिया में रहता जहाँ आप हम रह रहते हैं, हमारे लिए तो दहशत थी, आदम अलैहि सलाम दहशत में रहते थे, इस दुनिया में जो हवा थी उसमें भी नार, जो मिट्टी उसमें भी नार, क्योंकि जिन्नों के लिए थी। अब आप यहाँ कोई गुनाह नहीं करें दिन रात सोते रहें, वो जो हवा है वो आपके जिस्म में आती रहेगी, वो नार आपके जिस्म में आती रहेगी, आप गुनाह कुछ ही नहीं कर रहे लेकिन फिर भी आप नारी हो गए। अब ये साधु हैं वो क्या करते हैं, कोई गुनाह नहीं करते हैं उनके,
वो सोते रहते हैं, आग के पास बैठे रहते हैं, वो नार उनके अंदर जाती है, वो नारी नार में कभी हो जाती। इस दुनिया में जब आए ना तो वो नार में आ गए। आप कोई गुनाह नहीं करेंगे तो आपके अंदर वो नार जाएगी, जब नार जाएगी तो आपको भी नारी बना देगी। उससे बचने के लिए हुक्म आया हर वक्त जिक्र का। जब तेरे अंदर जिक्र होगा, जब वो नार तेरे अंदर आएगी, वो जिक्र की गर्म की गर्मी उसको जला देगी। फिर वो नार तेरे अंदर आएगी, फिर वो जिक्र की गर्मी उसको जला देगी। अगर तेरे अंदर जिक्र नहीं है, तू बार बार से नमाजी बन गया, नार तो अंदर आ रही है, नमाजी तो बाहर से है। बहुत बड़ी तेरी दाढ़ी भी हो गई है, बाहर से नमाजी भी हो गया है, नार तेरे अंदर है, तू बाहर से बहुत बड़ा आबद जायद हो गया, लेकिन अंदर से बहुत बड़ा शैतान हो गया। बाहर से बहुत आबद जायद हो गया, अंदर से उतनी बड़ा शैतान हो गया। और ये जो फितने फैलाते हैं, ये जो फिरके पैदा करते हैं, ये उन्हीं जिनकी बढ़िया दाढ़ियां थी, बड़े नमाजी थे, उन्होंने ये फितने पैदा किए ना, उन्होंने बहतर फिरके बना दिए ना। लेकिन जब इस नार को काटता है तो वो नूर उसके अंदर आता है, फिर अंदर से वो रहमान हो जाता है। जब अंदर से रहमान हो जाता है तो बाहर से नमाजी, फिर वही नमाजी जिसकी नमाज मोमिन का मेराज है। फिर वो फितना बनाता नहीं है, फिर वो फितना मिटाता है। तो इसके लिए जरूरी है कि अंदर जो है ना वो साफ हो। अंदर बातों से साफ नहीं होता है। लोग आफज भी हो गए, आफज भी हो गए, लेकिन सिर से ऊपर ऊपर आफज है ना, नीचे तो नहीं है ना, दिल तो नीचे है ना। आप आफज है, शैतानी क्यों करता भाई? ऊपर से दिल से आफज नहीं है। हमने उन लोगों को भी देखा है जो दिल से हाफिज हैं। लाल बाग में एक हाफिज था, वो जब जाता रफा हाजत के लिए तो वो धागे से जुबान को बांध लेता। कि ये क्या करता है कि यार किसी टाइम में ठहरती ही नहीं, मैं वहां जाऊंगा वहां भी ये कुछ ना कुछ करेगी। वो कहता था कि अगर मैं जिक्र में लग जाऊं तो जुबान उधर लग जाती है, अगर तलावत में लग जाऊं दिल उधर लग जाता है। दोनों चीजें उसकी जारी थी। वो आपस हैं, वो आपस हैं जो सात आदमी को बख्शाएंगे। ये आपस जिसको अपने आप को भी पता नहीं है, वो अगर आपस बना सात आदमी को बख्शाने वाला, तो दिल जब उसका साथ हुआ तब हुआ। तो ये जो दिल का मामला है, ये 40 साल से पहले पहले मुयस्सर आता है। वो जो नमाजें हैं वो 40 साल के बाद भी पढ़ सकते हैं, 60-70 साल की उम्र में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये 40 साल के बाद फिर ये मयस्सर नहीं आता है। इस वजह से जरूरी है कि आदमी इसको भी हासिल कर ले। फिर जब वो नमाज पढ़ेगा तो साथ ये भी तो होगा ना। और जो लोग 40 साल के गुजर गए, फिर जब उन्होंने इस राज को पाया तो फिर वो बड़े पछताए कि अब हमारी उम्र तो गुजर गई। क्योंकि ये एक जिस तरह अंडा है उसके अंदर एक मादा है, 40 दिन तक उसको आप कोई गर्मी वारी ना पहुंचाए तो वो जाया हो जाता है। फिर आप आजाद मुर्गियों के नीचे रखें, उससे बच्चा तो नहीं निकलेगा ना। इसी तरह इंसान के जिस्म में वह एक मादा है, एक फरिश्ते किस्म की मखलूक है जिसको कलब बोलते हैं, उसमें इतनी खुराक है कि वो 40 साल तक जिंदा रह सकती है। जब तुमने 40 साल तक उसको गर्मी ना पहुंचाई, उसको जहरी गर्मी की जरूरत है, इसको अल्लाह की गर्मी की जरूरत है, उसको मुर्गी की जरूरत है, इसको मुर्शिद की जरूरत है। अगर 40 साल तक इसको कुछ नहीं किया तो फिर जिस तरह वो अंडा जाया हो गया, इस तरह ये इसका कलब जाया हो गया। फिर कुरान में फरमाता खत्म अल्लाह कुलूबहुम, उसके दिल पे आप मोर लगा दी। जब उसके दिल पे मोर लग जाती है, फिर शैतान बड़ा खुश होता है, क्योंकि जिसका तल्लक अल्लाह से था उस पे मोर लगी, दरवाजा बंद हो गया। फिर शैतान आता, उसको आके भरोसा देता है कि आज के बाद मैं तेरे पास नहीं आऊंगा। क्यों नहीं आएगा भाई? अब तो मैं क्या फर्क रहा, मुझ पर मोर लगी तो तेरे दिल भी मोर लगी, दोनों बराबर हो गए। तो इस वजह से जो लोग 40 साल से पहले लगते हैं, वो इस राज को, इस इलम को पाते हैं। ये इलम है, जिस तरह वो इल्म जहर है, सही इल्म बातन है, वो शरीयत का इल्म है, ये तरीकत का इल्म है। फिर जब उनके दिलों पे मोर लग जाती है, ठीक है, वो जहरी इल्म में आ जाते हैं। अब उनका जहरी इल्म अल्लाह के लिए नहीं है, वो दोजख से बचने के लिए, पूरे पाने के लिए, अल्लाह के लिए नहीं है।
फिर वो इस इल्म की नफी करते हैं, उनके पास इल्म है ही नहीं है, फिर वो इस इल्म की नफी कर देते हैं, कहते हैं इल्म तरीके तो है ही नहीं है, बस जो कुछ है शरीयत में है, और खुद भी मार खा गए और लोगों को भी बहका दिया, उनके भी वो जिम्मेदार हो गए। माने शरीयत का इल्म और है, शरीयत का इल्म जबान से तल्लक रखता है, ये जो जबान बोलती है ये शरीयत का इल्म है। लोग कहते हैं, दरवेश कहते हैं ये दिल भी बोलता है, ये तो गोश्त का लोथा है, ये कैसे बोलता है, ये कहते हैं ना, कहते हैं हमने गोश्त का लोथा देखा है, दिल देखा है, इसकी जुबान ही नहीं, कहाँ से बोलता है, तो भाई ये जो जुबान है ये भी गोश्त का लोथड़ा नहीं, ये कैसे बोलती है, सोचा कभी, ये जो जुबान है ये भी गोश्त का लोथड़ा है ना, ये कैसे बोलती है। इसको बुलवाने के लिए एक मखलूक है, इसमें ताकत नहीं है बोले, एक मखलूक है उस सीने के सेंटर में, उसका नाम है अफ्फा, वो मखलूक इसके जरिए बोलती है। अगर किसी की वो मखलूक ना हो तो डॉक्टर कहते हैं जबान तो सही है, ये बोलता क्यों नहीं है, उसको गूंगा कहते हैं। इंसानों और जानवरों में यही फर्क है, तो जानवरों में वो मखलूक नहीं है, जबानें उनकी भी है, अगर जबानों का इन गोश का कमाल होता तो वो भी बोलते हैं ना, तोतले ही बोल लेते, कुत्ता सब कुछ समझता है लेकिन बोलता क्यों नहीं है, उसमें वो मखलूक नहीं है। इसी तरह वो जो दिल है वो भी गोशाल होता है, उसको भी बुलवाने के लिए एक मखलूक है, उसका नाम है कलब। दिल को कहते हैं फवाद अरबी में, और उस मखलूक को कहते हैं कलब। वो जो कलब है वो 180,000 जालों के अंदर बंद है, अगर कोई उसको आजाद करा ले तो जिस तरह ये जबान अल्लाह अलग करती है, इसी तरह वो दिल भी अल्लाह अलग करता है। अगर उस मखलूक को जगा ले तो फिर जो अंदर अल्लाह अलग करती है ना, वो मखलूक करती है इस गोश्त के लोथरे के जरिए, फिर वो गोश्त का लोथरा, अगर गोश्त का लोथरा नहीं रहता उसमें आरोप अल्लाह अलग हो रही है, अब अल्लाह ताला की आमाजगा बन जाता है, फिर किसी शहर ने कहा यही मस्जिद यही काबा यही गुले गुलजार जन्नत। जहवारत अल्लाह अलग करते हैं, ये मखलूकें तुम्हारे अंदर हैं, देखा होगा ख्वाब में मार जाते हो घूमते हो, तुम तो नहीं होते हो, तुम्हारे अंदर से कोई मखलूक जाती है ना, वो तुम्हारे अंदर है, अब वो अंदर है, अब अंदर उनको नूर चाहिए ना, जब वो अल्लाह अल्लाह दिल की धड़कनों से मिलता है, धड़कनों के जरिए नस नस में जाता है, फिर उन मखलूकों तक जाता है, जब उन मखलूकों तक जाता है तो फिर वो अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर देते हैं, फिर तुम सोते रहना वो अपने अंदर अल्लाह अल्लाह करते रहेंगे। फिर 12 साल तक वो अल्लाह अल्लाह कर लू, उनकी गजा बन जाएगी, फिर तुम मर जाना, फिर कब्र में बैठ के अल्लाह अल्लाह करती रहेंगी और क़यामत तक करती रहेंगी। ये जो वलियों का राज है वो ये 16 मखलूक है उस किस्म की, एक मखलूक की भी परवरिश हो रहा है तो फिर भी सबका जारिया हो गया, फिर भी मर के जिंदा है। तो जिन लोगों ने इसको नहीं छेड़ा, वो उलमा शरीयत की तालीम है, जिस्म की तालीम है, जिस्म रुकू सजूद करता है, लेकिन जिस्म खत्म हो गया तो इबादत खत्म होगी, और इसमें जिस्म की भी इबादत करता है और जिस्म के अंदर की चीजें भी इबादत करती हैं, जिसम खत्म हो गया, खत्म होने दो, जो अंदर की चीजें क्यामत तक अल्लाह अलग करती रहेंगी, और अल्लाह अलग क्यामत पता नहीं कब आएगी, और क्यामत तक ये सवाब उसकी रूह को मिलता रहेगा ना, और ये ऐसी है कि इसमें फिर सदका जारिया, अब आपने मस्जिद बना दी, सदका जारिया हो गया, लेकिन इस सूरत में वहां किसी की नमाज कबूल हुई तब हुआ ना, अगर नमाज ही कबूल नहीं हुई तो आपको कुछ सवाब क्या मिलेगा, सवाब तब मिलेगा कि नमाजें कबूल हो रही हैं, तो नमाजें वो पूरी नहीं जा रही, सवाब क्या मिलेगा, और उसका कोई पता नहीं, आपने मस्जिद बनाई उसमें जो बंदी का कब्जा हो गया, वाहबी का हो गया, तो आपको सवाब क्या मिलेगा, हो सकता आप कोई सुन्नी है वो भी दिल के बगैर ही नमाजें पढ़ता है, नमाजें उसकी भी कोई नहीं हो रही, फिर आपको सवाब क्या मिलेगा, स्वाद तब मिलेगा जब तुम्हारी किसी की नमाज ऊपर जाएगी तब स्वाद मिलेगा, लेकिन ये अगर जारी हो गया तो ये तो कबूल ही कबूल है, इसकी आवाज ऊपर ही गूंज रही है जहां अल्लाह की जात है, ये तो कबूल ही कबूल, इसमें तो किसी दियोबंदी वादी को कब्जा नहीं हो सकता, उसमें कब्जा हो सकता है लेकिन इस पे नहीं हो सकता। ये शुरू में जो तालीम थी ना यही थी, ये हजूर पाक के जमाने में दोनों तालीम इकट्ठी चलती थी, जाहिर और बातन, आपके बाद कई अरसा तक इकट्ठी चलती रही,
जब तक सहाबा कराम रहे, उनके बाद फिर जहर उलमा के पास चला गया, बातन दरवेशों के पास आ गया, बातन दरवेशों के पास, जहर उलमा के पास। फिर क्या हुआ? फिर आए गौस पाक, उन्होंने दोनों को इकट्ठा कर लिया। जब फिर गौस पाक चले गए, फिर जहर दरवेशों के पास, बातन उलमा के पास, फिर मजद साहब आ गए, उन्होंने दोनों को फिर इकट्ठा कर लिया। उनके बाद कुछ अर्सा इकट्ठा रहा, फिर जहर उलमा के पास, बातन दरवेशों के पास। अब तुम क्या करो? तुम्हें जहर भी चाहिए तो बातन भी चाहिए, तुम्हें मौलवी भी चाहिए, दरवेश भी चाहिए। मौलवी से नमाज रोज़ा सीखो तो दरवेशों से ये दिल की तालीम सीखो, तुम्हारे लिए ये जरूरी है। पहले ये होते थे कि उलमा दरवेशों की तरफ देखते, गौस पाक खुद दरवेशों की तरफ गए। आपने पहले जहर इलम हासिल किया, मदरसे में हासिल किया, अगर वही इलम काफी होता तो फिर आप जंगलों में क्यों जाते? जहरी इलम के लिए मदरसों में रहे, शहरों में रहे, और उस बातनी दिल वाले इलम के लिए आप जंगलों में गए। फिर जब मुड़ के आए तो आपके पास दोनों इलम थे, दोनों इलम लोगों को सिखाए। अब इस वक्त में दोनों इलम की जरूरत है, नमाज रोजे की भी जरूरत है और दिल के अल्लाह अल्लाह की भी जरूरत है। अब ये दोनों चीजें आपस में टकरा रही हैं, मौलवी और दरवेश। दरवेश के पास जाओगे वो मौलवी को हकीर समझेगा, छोटा सा आदमी है। मौलवी के पास जाओगे वो दरवेश को हकीर समझेगा, वैसे ही अल्लाह ले कर रहा है जो कुछ है शरीयत में, यही कहेगा ना। तो तुम्हारे लिए तो मैंने दोनों को पकड़ना, दोनों से हासिल कर। बाज दफा ऐसे होते हैं कि वो मौलवी भी होता है दरवेश भी होता है, अगर ऐसा मिल जाए ना तो वो इन दोनों से बेहतर है, अकेले ही बेहतर है। लेकिन ऐसे किसी किसी जमाने में आते हैं, हर वक्त नहीं आते। और वो जो इबादत है नमाज रोजा की इबादत, वो वक्ती है। आप 24 घंटे में ज्यादा से ज्यादा एक घंटा आपकी इबादत होगी। 10-15 मिनट की नमाज की, 10-15 मिनट की नमाज की, क्यों जी? ज्यादा ज्यादा एक घंटा, बाकी 23 घंटे तो आपका फारग है ना भाई। वो तो फारग घूम रहे, जानवर तो घूम रहे हैं ना। जब ये अल्लाह ले शुरू हो गई तो ये तो बंद ही नहीं होता है जब चल पड़े तो। ये तो 24 घंटे की इबादत है, इसमें तो सो रहे हैं तब भी अल्लाह अल्लाह हो रही है, खा पी रहे हैं तब भी अल्लाह, काम काज कर रहे हैं तब भी अल्लाह अल्लाह हो रही है। अब तो जानवर तो नहीं रहा ना, अब तो इंसान बन गया ना। इसके साथ जब नमाज रोजा होता फिर वो सोने पे सुहाता है। तो जब आदमी बाद दफा इबादत उसके लिए मुसीबत बन जाती है। नमाज पढ़ते हैं आप, तलावत करते हैं, लोग कहते हैं 5 वक्त नमाज हुई है, दिल में तकब्बुर आया ना, तहज्जुद भी पढ़ता है, ताज़ीम करी और तकब्बुर आया ना। और एक दिन बेनमाजी को देखा, बढ़िया कारों से देखा कि मैं तुझसे बेहतर हूँ, ये नहीं पता तकब्बुर इज़ाज़ील राफ़ार कर, नमाजें वो भी पढ़ता था, वो तुमसे ज्यादा नमाजें पढ़ता था, दुनिया में कोई जगह उसने छोड़ी नहीं, तुम 10-20 साल से पढ़े हो तो वो तो हजारों साल पढ़ता रहा। लेकिन उस तकब्बुर ने उसको शैतान बना दिया ना, उससे बड़ा कोई आलम नहीं है ना। इतना बड़ा आलम तकब्बुर से शैतान हो गया, तो ये छोटे मोटे आलम या आबद जाए वो कैसे बच सकेंगे? लेकिन जब तुम्हारे दिल में ये अल्लाह अल्लाह गूंजेगा, तुम नमाज पढ़ोगे, लोग कहेंगे नमाजी है, तकब्बुर आएगा, वो अल्लाह अल्लाह उसको काट देगी। फिर कहेंगे बहुत बड़ा आदमी है, तुम्हारी ताजीम करेंगे, लेकिन वो तुम्हारे दिल में अल्लाह अल्लाह उस तकब्बुर को निकाल देगी और तुम्हारा दिल साफ रहेगा। हदीस में जिस सीने में जरा भी कुबर और बुखल है वो जन्नत के काबिल नहीं। तो कुबर बुखल को आदमी निकाल ही नहीं सकता, मास फाय अल्लाह अल्लाह के, ये अल्लाह अल्लाह जिस गए उसका नूर कुबर बुखल रिस असद को निकालता और सीने को साफ रखता है। और यही वजह है कि जो लोग इस अल्लाह अल्लाह में वो आपको बड़े आजिज नजर आएंगे, और जो लोग अल्लाह अल्लाह के बगैर हैं बल्कि दो भी नमाजें पढ़ते हैं तो अपने आप को मजदूर वक्त बताएंगे। तो ये वजह कि उनमें तकब्र की इंतहा हो गई। तो तकब्र तो अल्लाह ताला को पसंद ही नहीं। उनका तो यही हाल हो जाता है कि मेरे जैसे तो कौन है आप। मिर्जा गुलाम अहमद में जब तकब्र की इंतहा हो गई
क्योंकि जितना बड़ा आपत बन जाएंगे ना तकबरी आ जाएगा इंतहाई, तो फिर वो एक पांव खड़ा करता, कहता अब मैं अगर दूसरा उठाऊं तो गिर जाऊं ना, जब मैं गिर जाऊं तो हुजूर पाक वहां कैसे पहुंचे। वो तकबर की इंतहा थी ना जिसने उसको ये बात कहलवाई। अब हमारे मुफ्ती हैं, देखो मुफ्ती आजम बड़े बड़े मुफ्ती हैं, वो भी बरेली मुफ्ती, वो भी बरेली, वो उसको कहता तू कुछ भी नहीं है, ये मसला ऐसा, वो कहता तू कुछ नहीं है मसला ऐसा, वो कहता मैं इस वक्त मजदद हूँ, वो कहता तू नहीं है मैं मजदद, दोनों मजदद को नहीं है, दोनों शैतान है। ये हाल है इनका, आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो दरवेश एक दूसरे से क्यों नहीं लड़ते हैं, क्यों नहीं कहता तू मैं गौस हूँ, वो कहता मैं गौस हूँ, ये क्यों नहीं कहते हैं। जो भी वली है वो आज ही कहते हैं तू बड़ा, वो कहता नहीं है तू बड़ा, वो कहता नहीं रुतबे में तू बड़ा, क्या रुतबे में तू बड़ा। अल्लाह ताला को पसंद है ना तो ये आज ही पसंद है। इबादत का मकसद है झुकना, झुकने का मकसद है आज ही। अगर उसके आगे आप झुकते ही नहीं है, अकड़े हुए हैं, तो वो क्या उसको कबूल करेगा। आज ही से मेरे आगे झुके, ये जब नमाज भी पढ़ता है तो बिल्कुल अकड़ा हुआ है, ऐसे देख लेना बिल्कुल अकड़ा हुआ नमाज पढ़ेगा, तो ये उसकी नमाज अल्लाह को पसंद है। तो अपने आप को इंसान बनाने के लिए, पाक करने के लिए, दिल को साफ करने के लिए ये जिक्र अल्लाह है। और जिन लोगों ने इसको छोड़ा हुआ है ना वही फिरकों में मुबतला है। तो ये ऐसी इबादत है, इसको अभी ये मुश्किल लगती है, यार मेरे अंदर हर कैसे अल्लाह होगी, मैं सुनूंगा अल्लाह कैसे होगी, मुश्किल लगता है ना। लेकिन जब ये अल्लाह शुरू हो गया तो कहोगे यार ये तो कितना आसान है, नमाज पढ़ना मुश्किल है, वुजू करना पड़ रहा है, ये तो खुद बखुद ही अल्लाह शुरू हो, ये बड़ा आसान सा होता है। ये एक दफा अल्लाह जम जाए तब दूसरा ये गारंटी है। आप बहुत बड़े आबद जायदे हैं, आप क्यों गारंटी नहीं है कि आप दोस्त की बेचती हैं, क्यों गारंटी नहीं है ना। आप हर वक्त नमाज पढ़ते हैं, तहज्जुद सब कुछ करते हैं, कोई गारंटी नहीं है। आप कोई भी अपने दिल में कोई पता नहीं, आप पता नहीं उसमें जाऊंगा बेशक में जाऊंगा, यही बात है ना। लेकिन जब तुम्हारे अंदर ये अल्लाह शुरू हो जाएगी तो गारंटी ही गारंटी है। तुम अल्फिया कह सकते हो कि मैंने दहशत में जाना, तुम कसम भी उठा के कह सकते हो कि मैं दोज़ख में जा ही नहीं सकता, क्योंकि ये गारंटी क्यों है। ये अपने तई आप कोशिश करके देखें, अपने तई कभी भी नहीं होगा, अल्लाह का हुक्म होगा, हुजूर पाक तस्दीक करेंगे, गौस पाक जमानत देंगे, फिर ही होगा। तो जिसकी गौस पाक ने जमानत दे दी मैं जानू और ये जाने आप इसको लेके जाना है, हुजूर पाक ने तस्दीक कर दी तो फिर उसको क्या खौफ है। वही लोग हैं जिनकी हुजूर पाक शफात करेंगे, जिनकी तस्दीक करेंगे, शफात करनी पड़ेगी ना। तो ये एक ऐसी चीज है, इंसान अपने आप को परख लेता है कि मैं क्या हूं। तो जब परखा गया आप तो मैं दोस्ती नहीं, तो फिर वो काम वही करेगा ना जो दहशत वाले करते हैं, उसका दिल फिर उसी तरह मायल हो जाएगा। बस ये एक कसवटी है और कोई कसवटी नहीं अपने आप को। तो इसके लिए किस्मत आजमाए, हम तो बताने वाले हैं, एक वसीला है बीच में तुम्हारे और रब के। अगर रब ने चाह तो अल्लाह शुरू हो जाएगी, हम तुम्हारे साथ हो जाएंगे, अगर रब ने नहीं चाह तो हम भी तुमसे किनारा कर लेंगे। सही है क्या तुम्हारा, हमने तुमसे दोस्ती करी थी आपके लिए, रब तुमको मिले ही नहीं, अब हमारी तुम्हारी तुमसे क्या दोस्ती, हम खुद भी किसी तरीके से तुमसे मुंह मोड़ लेंगे। हारून रशीद की बेटी थे, लेकिन उलमा में बहस हो रही थी, तो वो भी सुन रही थी, कहती है तुम इतने बड़े आलम हो गए, कितनी ये बातें करते हो तो फिर भी तुमको शुभ आया अपने ऊपर के, रब पता नहीं मेहरबान है या नहीं।
तो मैं तो छोटी हूँ तुम्हारे मुकाबले में, बहुत ही छोटी हूँ, 15-16 साल की हूँ। मैं तो अल्फिया कहती हूँ तो मुझसे रब मोहब्बत करता है। तो मैंने कहा तेरे पास क्या सबूत है रब तुझसे मोहब्बत करता है? उसने कहा मेरे पास ये सबूत है, मैं जब सोती हूँ उठती हूँ तो मेरा दिल अल्लाह का कर रहा होता है, बस यही सबूत है। उसकी मोहब्बत है तब ये करता ना, मैं तो सो रही होती, तो ये एक सबूत हो जाता है। भाई आप सो रहे हैं, आपका दिल अल्लाह का कर रहा है, तो फिर अल्लाह का करो मेरा ये। और ये जो मुर्शिद पकड़ते हैं ना इसी काम के लिए पकड़ते हैं। आप तो रस्म मुर्शिद मुर्शिद पकड़ लिए ना? नहीं, बैग का मतलब है बिगड़ जाना, अपने आप को बेच देना। भाई अपने आप की तुम क्यों बिकोगे? उस काम के लिए बिकोगे जो तुम्हारे बस में नहीं है। दाढ़ी रखना तुम्हारे बस में है ना, नमाजें भी तुम पढ़ सकते हो, तहज्जुद भी पढ़ सकते हो, हाफिज भी हो सकते हो। वो लोग हैं ना जो मुर्शिदों को बांधते नहीं है, हाफिज भी हैं, नमाजी भी हैं, तिलावत भी करते हैं, तो फिर बिकने क्या जरूरत है आपको? उस काम के लिए बिकते हैं जो आपके बस में नहीं है। काम भी कोई बहुत ही अहम है जिसके लिए बिकना पड़ेगा, और अपने बस में भी नहीं है तो कौन सा काम है जिसके लिए बिकना पड़ता है? तुम यहाँ पड़े रहो, उधर हजूर पाक के कदमों में रहो, तुम यहाँ सोते रहो, तुम्हारा दिल अल्लाह अल्लाह करता है। ये तुम्हारे बस में नहीं है ना, इस काम के लिए बिकना पड़ता है। अगर कोई बिके भी है और इस चीज से महरूम है तो बहुत ही बदबख्त। बिक गया है जिस काम के लिए बिका, मिले नहीं उसको, तो बदबख्त है। तो इस वक्त पाकिस्तान में दबावती है, हर कोई वली बना हुआ। अब ये वलायत है, ये विरासत नहीं है। अब लोग कहते हैं वली का बेटा है या पोता, ये भी अच्छा आदमी है, नेक है, नमाजी है, दाढ़ी वगैरह, यही देखते हैं ना। नहीं, वलायत में और आम आबर जैद में बड़ा फर्क है। बड़ा कोई दिन रात लगा रहे, उसके सजूद में लगा रहे, वो तो वलायत को नहीं पहुंच सकता। वलायत क्या है? किसी पे भी अल्लाह ताला मेहरबान हो जाए, उसके ऊपर वो तजल्ली डालता है जो मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर डाली थी। वलायत की शर्त वो तजल्ली है, इबादत नहीं है। भले इबादत नहीं भी कर रहा है तब भी तजल्ली पड़ी तो वली हो गया। अब वो जैसे अबू बकर हवारी डाकू थे, रातों रात तजल्ली पड़ी, रातों रात वली बन गया, आगे मुड़ गए, अब कौन उनको मारे? अब वो जब तजल्ली पड़ी, हो सकता है कि वो मर जाए, मरने दो। तजल्ली के बाद शर्त है, रोजाना 360 मरतबा अल्लाह उसको देखता है। सुभान अल्लाह। अगर वो मर गया है तो उसकी कब्र को देखता है, एक दफा वो देखता है उसके 7 गुना कबीरा जलते हैं, और कब्र में क्या गुनाह कर रहा है, वहां जो लोग जा रहे हैं उनके गुनाह जलने शुरू हो कब्र पे जाने से। देखो वहां उसको देख रहे हैं ना, और वहां लोग बैठे हैं उनके गुनाह जलने शुरू हो गए। हो सकता है वो मरा नहीं, पागल हो गया, उसको मजूर बोलते हैं और लोगों को पत्थर मारता है, गालियां देता है, उसमें से फैज जारी हो गया। वो जो 360 मरतबा अल्लाह ताला देखता है वो उसका फैज है। हो सकता है वो पागल भी नहीं होया, साबित कदम रहा, उसको फिर महबूब बोलते हैं, उसकी बातों से फैल जारी हो जाता। अब वो जो 360 मरतबा जो देखता है, अब उसके गुनाह क्या है? जो उसके पास बैठने वाले होते हैं ना, उनके गुनाह जलने शुरू हो जाते। तब मौलाना रूमी ने कहा ना कि एक लम्हा वली की सोबत 100 साल की इबादत से बेहतर है। हो सकता हो तुम्हारा गुनाह 100 साल की इबादत से माफ ना हो, वो वली के पास बैठे नजर रहमत पड़ी हो, गुनाह जल गया। असहाबा काफ के ऊपर वो नजर रहमत हर वक्त पड़ती थी, 360 दफा पड़ती थी। वहां कोई भी नहीं था, सिर्फ एक कुत्ता था, वो कुत्ता ही हजरत की तमीर हो गया। मेरे कुत्ता नमाज नहीं पढ़ता था ना, रोजे नहीं रखता था ना, बस उनकी सोबत में बैठा रहा, वो नजर रहमत पड़ती रही, तो कुत्ता हजरत की तमीर की। अब वो कुत्ता जो है ना वो जन्नत में जाएगा, विलियम बाउर की शक्ल में जन्नत में जाएगा। वो हजूर पाक के ऊपर वो नजर रहमत हर वक्त पड़ती थी, और यही वजह है कि आपकी महफिल में सोबत में बैठने वाले वलियों से भी आला मकाम हासिल करने चले गए। वो सहाबा करा वलियों से भी आला मकाम हासिल करके चले गए। अब वली
दूसरों के लिए उस आबद जैद अगर बख्शा जाएगा तो खुद बख्शा जाएगा ना। ये वली था ना, इसके पास बैठने वालों को ख्याल रखना होना शुरू हो गया ना। फिर जब मर गया तो योम मैशर में नबी चमक रहे होंगे, ये कौन नबी, ये कौन लोग देखेंगे एक तरफ, कुछ और लोग ये कौन कौन सा नबी कहेंगे, नबी नहीं ये वली था। लोग कहेंगे वली तो शायद हमारे जमाने में भी हो, ये तो हर जमाने में होते थे, जाकर पहचान जाएंगे, ए अल्लाह मैंने इसको रोटी खिलाई थी वो बख्श दो। दूसरा, अल्लाह मैंने इसको गर्म पानी से वुजू कराया था बख्श दो। अल्लाह मैंने इसको एक कपड़ा दिया था बख्श दो। जो उसके खरीदे हुए उनका क्या हाल होगा, जो जिनको उसने खरीदा उनको भी, जिस जिधर हो जाएगा साथ में भी ले जाएगा। गलायत तो ये है ना, अब अगर आदमी बैत हो तो वली से हो, बिके तो वली के आगे बिके ना। फिर अब वली की पहचान नहीं है ना, अपने आप में जाओ, एक कहता है मैं गौस हूँ, दूसरा कहता है मैं कुतुब हूँ, तीसरा कहता है गौसे जमान तो मैं हूँ, सारे कहते हैं ना। आप पहचानने के लिए तुम्हारे अंदर कसवटी हो, जब तुम्हारे अंदर अल्लाह लक्ष्मी हो जाएगी ना, फिर तुम जाके बैत होना, फिर वली के पास जाना, तो जहां भी अल्लाह तेज होगी टकराव होगी समझ जाना ये वली जाके बैत हो जाना। फिर हमें ये तो खुशी होगी ना, जहां भी गया वली के आगे गया ना, तो वली तो सारे एक होते हैं ना। जिस तरह अल्लाह ताला का जिस्म में आगे बाल है, इसी तरह ये जो अल्लाह के सारे बाल ही वली है, एक को खींचा सबको तकलीफ हुई। यहाँ ये वली अलग अलग है, ये कादरी है, ये चश्ती नकवंदी, वहां से नहीं कहते हैं चश्ती है कादरी, जाओ कहते हैं सारे अल्लाह के दोस्त हैं, बोले अल्लाह अल्लाह के दोस्त। इस वजह से आदमी बिके, भले 10 साल बाद बिके, बिके वली के आगे बिके। उस अभी आप जाकर बिक गए, दाढ़ी देख के बिक गए, वो भी नाकस तुम भी नाकस, ना वो किसी मरतबे में, जब वो मरतबे में नहीं देखता तुम किस मरतबे में पहुंचोगे। इससे बेहतरीन तुम पहले अपने आप को जौहरी बना लो, कसवटी आ जाए तुम्हारे पास। आप सोना लेने के लिए जाओ नकली ले आओगे, लेकिन जब तुम कसवटी सीख लोगे फिर तुम नकली नहीं लाओगे ना, फिर 10 साल बाद ही लाओगे तो असली लाओगे। उसकी कसवटी यही है कि तुम्हारे दिल में अल्लाह घूमना शुरू हो जाए, फिर वली की पहचान बड़ी आसान है। अगर अल्लाह नहीं तो तुम वली को पहचान नहीं सकते, तो हो सकता तुम्हारे घर में वली हो तुम उसको ना पहचान सको। नमाज रोजे के मुखालफ नहीं है, शरीयत के मुखालफ नहीं है, हमने अगर पाया ना तो शरीयत के लिए पाया। लेकिन ये कहते हैं कि शरीयत वो होना जो काबिले कबूल हो ना, ये इसके इसके बगैर शरीयत काबिले कबूल नहीं है ना। हम तभी जोर देते हैं कि ये साफ हो फिर कबूल है, अगर ये साफ नहीं है तो कबूलियत नहीं है ना। अब उसका सबूत है एक हदीस में कि ला सलाता इल्ला बिहुज़ूर कलब, दिल की हाजिरी के बगैर नमाज नहीं होती। हमारे उलमा ने कहा यह कमजोर है, क्योंकि उनका दिल जो नहीं है साथ, उन्होंने कहा यह कमजोर है, तो सुल्तान साहब ने कहा यह तो हदीस मोतबर आला हदीस है मुस्नद। आपने देखा होगा फर्ज किया आपका कोई दोस्त या हमसाया आपके साथ सुन्नी था, आपकी तरह दरबारों में जाता, बिल्कुल आपकी तरह नमाजें पढ़ता, जिस आप कहते हैं मैं भी दिल से मस्जिद में जाता हूँ, वो भी दिल से मस्जिद में जाता था ना, लेकिन अचानक पता लगा कि वो गैर मुकल्लफ हो गया। वो ना ऐसे, अगर उसकी एक नमाज भी कबूल होती तो गैर मुकल्लफ क्यों होता। इसका मतलब है जब गैर मुकल्लफ हुआ उसने यही समझा कि मेरी पिछली नमाजें नहीं हुई तब वो गैर मुकल्लफ हुआ ना। अगर अल्लाह उसकी एक नमाज भी कबूल कर लेता गैर मुकल्लफ क्यों होता, यानी उसकी नमाजें कबूल नहीं तब हुआ, वो तुम्हारी तरह नमाजें पढ़ता था, जब वो गैर मुकल्लफ हो गया उसकी नमाजें कब, तुम्हारी नमाजों में क्या इत्तेबा। अगर वो गैर मकलद हो सकता है नमाजों का एतबार नहीं, तो तुम्हारी नमाजों में भी एतबार, एतबार उस वक्त होगा जब ये दिल नमाजों के साथ होगा। दिल के बगैर नमाज जो है ना, काफिर जासूस ने भी पढ़ी है, पढ़ी भी है, मौलवी मौलवी बनकर है,
कई जासूस पकड़े गए सिख जासूस, जो यहाँ मस्जिदों में इमाम जुबान से नमाज उन्होंने भी पढ़ ली है ना, दिल उनके भी काले, अरे मुसलमान खड़ा इसका भी काला, तो क्या फर्क क्या है? फर्क इतना है, एक दजाल के गधे पे बैठा हुआ है और एक ईसा अलैहिस्सलाम के गधे पे बैठा है, दोनों गधे अंदर से दोनों गधे हैं। फर्क ये है कि ये कहता है कि मैं मुसलमान हूँ, वो कहता मैं काफिर हूँ, लेकिन हिसाब किताब दोनों का एक ही है। इन्हीं के लिए हुजूर पाक ने फरमाया सुबह मुसलमान होंगे तो रात को काफिर होंगे, वो इन्हीं के लिए कहा ना। इस तालीम का हमें ऐलान है, हुक्म है, इस तालीम को आम करो, जिसको हम चाहेंगे उसके दिल में चली जाएगी ये तालीम, निकलेगी नहीं, फिर भले घर वाले मौलवी उसको निकालने की कोशिश करें कभी भी निकलेगी, लेकिन वो सुनेगा तो जाएगी ना, सुनेगा तो जाएगी ना, सुनेगा नहीं कैसे जाएगी, बस तुम उनको सुनाओ, आगे का हमारा काम है, जिसको चाहना उसको निकाल, नहीं हर एक जिसको रब चाहेगा, हर किसी के लिए 24 घंटे आओ लग रहे सारी उम्र लग रहे नहीं, और जिसके लिए होगी वो दूर से सुनेगा कहेगा लब्बैक अल्लाह, तो उसको हम बार बार इस वजह से कहते हैं कि अल्लाह का हुक्म है, ताकि अल्लाह की तरफ से हमको भी पकड़ ना हो, तो तूने मेरा नाम बीच में क्यों नहीं लिया, भाई तू खुद कहता रहा तो मेरा नाम लेता है, शायद मेरे नाम से वो मेरी तरफ लौट आते, तो अल्लाह के हुक्म का सबूत है, तो मैं कहता हूँ ये कलब जारी हो जाता इस तरीके से, मैं कह रहा हूँ ना अगर जारी नहीं होता अल्लाह ला नहीं होती तो अल्लाह का हुक्म नहीं होता, अल्लाह का हुक्म नहीं है ना, तो मैं कहता हूँ होगा वो चाहते ही नहीं है फिर नहीं हुआ, लेकिन अगर मैं कहता हूँ अल्लाह ला करो जारी होगा, जारी हो जाता है तो उसकी रजा है तो जारी हो जाता है ना, ये सबूत काफी है ना, कि उसका हुक्म है ना हमको, आगे अगर उसकी रजा है तुम्हारे ऊपर तुम्हारी अल्लाह ला हो रही है, अगर 10 में से 2 आदमी भी हमें तस्दीक कर दें कि हमारा अल्लाह ला शुरू हो गया तो हमको भी इतनी नान हो गया कि उसका हुक्म सही है, तो ये तुमको जंगलों में मिला करता था, अब शहरों में घरों में मिल रहा है, फिर भी तुम लोग नखरे करते हो, हकीकत है, तो फिर यकीन करो कि ये बात सुनने के बाद अगर तुमने अमल किया ना हुआ फिर तो खैर है, बचत होगी, तुमने अमल किया लेकिन नहीं हो सकता, नहीं हो सका तुम तो मुजरम नहीं हुए ना, कि तुमने अमल किया था लेकिन नहीं हो सका, लेकिन अमल ही नहीं किया इसको वैसे ही समझा, फिर जब तुम कभी कभी किसी वक्त भी नमाज पढ़ी ना वो नमाज तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाएगी, जब तुम भी तुमने कहा दिखा मुझको सीधी राह उसको बड़ा गुस्सा आएगा, भाई जब कहोगे दिखा मुझको सीधी राह ये तो छोड़ दिया सीधा रास्ता था, फिर क्या था सीधा रास्ता दिखा, उसको गुस्सा नहीं आएगा, तेरे पास मैंने एक बंदा भेजा था सीधे रास्ते के लिए तो तूने उसको जुटला दिया, कहता तो सीधा रास्ता दिखा कितना मक्कार है, तरजीह नहीं देती सीधे रास्ते को, कहता सीधा रास्ता दिखा जुबन जुबन, इस वजह से जिन लोगों ने यह बात सुनी है चलो प्रैक्टिस तो कर ही लेना, ये क्या हमने किया था नहीं हो सका, हम क्या करते हमने किया तो था ना, अगर करेंगे भी नहीं कल नमाज पढ़ने के मुस्तैक नहीं है ये लोग, फिर वही है उन नमाजियों के लिए तबाही है जो नमाज हकीकत से बेखबर है, ये नमाज हकीकत बनती है, ये उन लोगों के लिए जो नमाज इनको नमाज हकीकत सिखाई गई थी लेकिन उन्होंने सीखी नहीं, फिर वही नमाज पढ़ते हैं उनके लिए तबाही है, ये जो थे ना ये रूहानी सिलसिले ये नौ थे जो जिक्र फिक्र बातन को फैलाते हैं, नौ ये सिलसिले थे, इनमें से फिर वो कटते कटते जब उलमा का जहूर हुआ ना ज्यादा तो ये कम होते रहे, उलमा ने उधर लगा दिया, फिर कम होते होते ये फिर 4 रह गए, अब ये 3 रह गए, यानी ये कम हो गए हैं, बड़े नहीं है, लेकिन वो जो फिरके थे ना वो बढ़ गए, वो 72-73 हो गए, और ये कम हो गए, ये 3 रह गए, ये चश्ती नक्शबंदी कादरी सरवर्दी कट गए, ये अभी इस जमाने में कटा है सरवर्दी, तो
क्योंकि सरवर्दी जिक्र भी करता था या वदूदों का, या वदूदों के बाद फिर अल्लाह में आता। अब इसने क्या किया कि जिक्र फिक्र छोड़कर सिर्फ नात खानी में लग गया। नात खानी में इश्क था इनका, नात खानी था, जिस तरह चश्ती में पहले वो कवाली थी उसके बाद जिक्र। चश्ती अब भी करते हैं, कवाली करते हैं, दुरूद भी पढ़ते हैं, जिक्र भी करते हैं, लेकिन सरवर्दी अब सिर्फ नात खानी में लग गया। इस वजह से ये कट गया, ये तीन रह गया। उन लोग 73 हैं, उनमें एक फिरका सही होगा, मानते हो ना? सारे तो सही नहीं हो सकते ना, 72 उसके मुखालिफ हो जाएंगे, 72 उसके खिलाफ हो जाएंगे। हत्ता के अहले सुन्नत, ये भी एक फिरका ना अहले सुन्नत में, ये भी उसके खिलाफ, और वो एक अल्लाह सब के ऊपर भारी रहेगा। अकेला फिरका है वो सब के ऊपर भारी रहेगा। हमें इस बात की समझ नहीं आई आज तक, ये जो उलमाए मुखालफत किस चीज की करते हैं, हमें ये उलमा मुखालफत किस चीज की करते हैं। ये है ना कि नमाज रोजा करो सब कुछ करो, वही अकीदा है, ये एक अजाफी चीज है, टिक टिक इसके साथ अल्लाह ला होती रहे हर वक्त, इसमें मुखालफत की क्या वजह है? कोई गलत बात है तो पता है, और तस्बीह से आप अल्लाह लगे नमाज से फारो होने के बाद आप तस्बीह से अल्लाह लग करें, गुनाह तो नहीं है, जब तक आपकी मर्जी करें गुनाह नहीं है। लेकिन अगर आप तस्बीह को छोड़ के अंदर को तस्बीह बना लेते हैं कि इसमें वुजू जरूरत है, ये तस्बीह चल पड़ी, चलते फिरते करता रहूंगा, बात वही अल्लाह अल्लाह ना, तो इसकी मुखालफत क्यों करते हैं? और इतनी बड़ी मुखालफत करते हैं, काफिर तक कह देते हैं। तो मुसलमान हो है अभी, जो इसके बगैर मुसलमान है वो आधा कच्चा मुसलमान है, पक्का मुसलमान है, वही गैर मकलद हो सकता है। जो इसके साथ मुसलमान होता है ना वो गैर मकलद नहीं होता, वो पक्का मुसलमान कर जाता। अब देखना हम कलमा, जिस तरह ये जुबान कलमा पढ़ती है ये भी कलमा पढ़ता है। कैसे पढ़ता है? लोग सोचते हैं बड़ा मुश्किल है, सबसे पहले बच्चा पैदा होता है वो जुबान की टिक टिक उसके साथ कहता है अम्मा, फिर उन टिक टिकों को मिला कर कहता अम्मा दूध, फिर अम्मा दूध दे, फिर उन्हीं टिक टिकों से कहता है, नाते भी पढ़ता है बातें भी करता है, वही टिक टिक है ना, इसी तरह उस दिल की टिक टिक है, टिक टिक टिक, सबसे पहले उसके साथ मिलाता है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वो टिक टिक एकदम कलमा नहीं पढ़ सकती है, जिस तरह ये जुबान बच्चे की एकदम बातें नहीं कर सकती है, इसी तरह वो टिक टिक एकदम कलमा नहीं पढ़ सकती, पहले वो टिक टिक के साथ अल्लाह अल्लाह, फिर अल्लाह अल्लाह, फिर वही टिक टिक है ला इलाहा इल्लल्लाह, उस वक्त फरिश्ते कहते हैं अभी हमारा बंदा हो गए, अब ये नासूती है, फिर वो मलकूती हो जाता है। फिर जिस तरह इन टिकटिकों से नाते पढ़ता है, फिर वो टिकटिकें, कल कोई बंदा बता रहा था यही, मैं नमाज पढ़ता हूँ दिल भी साथ नमाज पढ़ता है, कुरान पढ़ता है, वो यही है ना, इस तरह एक नहीं कई लोग बताते हैं, वो मेरे कुरान तो सही है, वो सही है ना, गलत तो नहीं है ना, वो पढ़ रहे हैं तकरीर करता है नाते पढ़ता है तलावत, बाद आदमी आने कहते मैं तलावत जानते नहीं है कौन सी आयत पढ़ा है, बाजा ऐसी नाते पढ़ता उसे सुनी भी नहीं होती है, क्योंकि इसका तल्लुक फिर मलकूतियों से हो गया ना, फिर वो अंदर ऊपर जो हूरे मलाइक नाते पढ़ते हैं ये भी वहां से सुनकर यही पढ़ना शुरू करता है ना, फिर इसको ये महफिलें तो इसको अच्छी नहीं लगती है ना, फिर इन महफिलों में तो कुत्ते होते हैं, ये फिर ऊपर ऊपर से सुनता है, तो वो जो पढ़ते हैं फिर ये भी पढ़ते, फिर आदमी कहता है ऐसी नात मैंने सुनी नहीं, ये कहाँ से आ गई, यहाँ तक वो पहुंच सकता है। ओपनली में एक है
نے ایک اور نام ہے اسرا عالمگیر کا, ہندی میں ملازمت کرتا ہے الیاس, تو وہ تہجد پڑھنا شروع کر دی. اس کے پاس 33 گھڑی بنانی تھی, سوچنے لگا تھا بھی غریب آدمی کہ اب کوئی مجھے گھر والوں کو بولا سحری کے وقت جگا دینا, کوئی اٹھا ہی نہیں گھر والا, دوسرے دن پریشان, چلو آپ اٹھوں گا, اس کو نیند آ رہی پھر سحری کے وقت اندر سے آزان کی آواز ہے, آدھی آواز آئی آدھی آواز آ رہی تھی اس کی, دیکھا کون آزانیں دے رہا, اندر دیکھا دل آزان دے رہا, اٹھا اور جا کے تہجدی نماز پڑھی. یہ دل یہاں تک پہنچتا ہے, جس اس میں روانی آ جاتی اس کا دل میں لگا روانی آ جاتی ہے, پھر آپ نماز پڑھیں گے وہ نماز پڑھیں گے, تلاوت کریں گے وہ تلاوت کریں گے, جو کام پھر آپ کریں گے اس کے ساتھ یہ بھی لگ جائے گا, پھر وہ آپ کی نماز کے ساتھ ہو گیا نا, تو دل بھی پڑھا ہے زبان بھی پڑھی ہے, پھر اس وقت صداقت ہو گئی جو زبان میں وہ دل میں. آپ کی صداقت نہیں ہے زبان میں اللہ ہے دل میں دنیا, یہ صداقت نہیں ہے یہ منافقت ہے. باتیں لڑکوں کو صحیح سمجھ میں آ جاتی ہیں, ان کے دلوں میں چلی جاتی ہیں, لیکن جو ابا جی ہوتے ہیں نا ان کے دل جو نہیں ہوتے ہیں ان کے دل میں جائیں کہ تو یہ ان کو پھر غصہ ہوتا ہے کہ میرا بچہ ادھر لگے دنیا لگ گیا, میں نے تو اس کو دنیاوی کام لینا ہے, اگر یہ ادھر لگے میرے کام سے گیا. یہی وجہ ہے کہ اس کے جوان طبقہ جو ہے نا وہ زیادہ آتا ہے, بوڑھا طبقہ نہیں آتا ہے, کیونکہ بوڑھے کے اندر وہ چیز جو اللہ کو پکڑنے والی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, پتہ ہی نہیں چلا. میرا مقصد ہے پتہ چلے یا نہ چلے, اب ایک بچہ ہے جا رہا ہے اس کو پتہ نہیں آگے گرا ہے گر گیا ہے زخمی تو ہوا نا, نہیں پتا تھا لیکن پھر بھی زخمی تو ہو گیا, ان کو پتہ نہیں لگا لیکن محروم تو ہو گیا. بڑی بات ایک قسمت کا سودے ہیں جن کو رب چاہتا ہے ان کو پتہ نہیں کہاں کہاں سے لے آتا ہے, اور جن کو چاہتے نہیں ہے وہ قریب بیٹھے بھی نہیں مستفید ہو سکتے, یہ بات ہے. حضور پاک کا حکم ہے علم حاصل کرو, چین تک کیوں جہاں پر اس علم کے لیے, وہ علم تو ہر مسجد میں مل جاتا ہے, وہ اس علم کے لیے. اب دیکھیں آپ روزی کی تلاش میں ہو پاکستان سے یہاں آ گئے, اللہ کی تلاش کے لیے اتنا تک کہیں نہیں گئے, اللہ کے لیے اس سے زیادہ جانا پڑتا ہے نا, زیادہ جاتے تب تو بات تھی نا, اس کے لیے کہیں نہیں گئے. روزی کے لیے آ گئے لیکن اللہ کے لیے کہیں نہیں گئے, سنا بھی ہوگا فلاں فلاں جگہ کوئی گزر گیا فلاں جگہ, سنا ہوگا ضرور لیکن گئے تو نہیں گئے, سنا ہوگا گنگوہ شریف میں ہے کوئی وقت کا بزرگ گئے لیکن گئے تو نہیں گئے, روزی کے لیے ادھر آ گئے. اس کا مطلب ہے تم نے روزی کو ترجیح دی نا, اللہ کو ترجیح نہیں دینا. نفس کا کہتا ہے
कहते ठीक है उम्र बुजुर्ग है लेकिन अगर कसम किस्मत में हुआ तो यही मिल जाएगा। यही कहता है ना, किस्मत में तो यही मिल जाएगा, किस्मत में तो किस्मत में रोजी होती है पाकिस्तान में मिल जाती है। उसके लिए यहाँ क्यों आए, उस वक्त भी कहते नहीं किस्मत में हुई थी हम मिल जाएगी वहां जाने की जरूरत है। किसी ने मखदूम जानिया से पूछा अगर रिज़िक मकदर में लिख दिया फिर घूमना फिरना क्या है। भाई मकदर में जो लिख दिया फिर घूमने फिरने की जरूरत है। फिर उन्होंने कहा वो घूमना फिरना भी मकदर में लिख दिया, वो घूमे फिरेगा तो रोजी मिलेगी वरना नहीं। इसी तरह अगर आपको रब चाह भी रहा है, बहुत भी चाह रहा है, लिख भी दिया आपके लिए कि मेरा दोस्त होगा तो साथ ये भी लिख दिया होगा मेरे फलान दोस्त से टकराएगा तो, वरना नहीं, क्योंकि वो भी तो उसका दोस्त है, ये भी उसके ना। ठीक है, इसको ले रहा है रब, बड़ा इसके ऊपर खुश है, इसको अपना दोस्त अभी बनाया नहीं लेकिन बनाना चाहता है दोस्त। तो फिर अगर ये उसके दोस्त के पास नहीं जाएगा तो फिर उसको गुस्सा आएगा, मैं इसको दोस्त बनाना चाहता हूँ अपने दोस्त के जरिए, तू उससे चिढ़ता है तो मैं तुझे कैसे दोस्त कबूल करूं, वो तो तुझसे पहले का दोस्त है मेरा। अल्लाह, किसी और के पास जाएगा भी नहीं होगा है, किसी और के पास नहीं, जहाँ उसका नसीबा होगा, ये नसीबा लिख दिया जाता है। ये एक यहूदी था, उसने एक हदीस सुनी कि मोमन की फरासत से डर, वो अल्लाह के नूर से देखता है। उसने कहा इन मुसलमानों को आजमाए, नीचे यहूदियों वाला लिबास, ऊपर मुसलमानों वाला लिबास, सब शेखों से जाके मिला। इस हदीस का मकसद क्या है, किसी ने क्या बताया, किसी ने क्या बताया, चलता चलता जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह के पास आ गए, हज़रत शिबली रहमतुल्लाह के पास पहुंचा। इस हदीस का मतलब बताएं, उन्होंने कहा इस हदीस का मकसद है कि वो यहूदियों वाला लिबास उतार तो मुसलमान हो गया। मैं तो आपको पहचान गया, आप सही हैं। अब मेरा ये था कि जो मुझे सही बताएगा मैं मुसलमान भी हो जाऊंगा, मुसलमान भी होता हूँ, लेकिन मुझे ये बताएं कि जिन लोगों से मैं मिल के आया उनको मेरा पता नहीं चल सका, तो क्या सारे झूठे थे? उस वक्त झूठे होते ही नहीं थे, मैं झूठा कोई नहीं था, सिर्फ तेरा नसीबा मेरे पास था, वो तुझे टालते रहे तू यहाँ तक पहुंच। ये नसीबा भी होता है ना, जहाँ नसीबा होता है वहां से उसको हासिल हो जाता है। तो फिर लोगों में ये होता है ना कि मैं उसके पास गया कनात करके बैठ जाते हैं, कुछ भी नहीं भाई, तेरा नसीबा ही शायद उधर ना हो, ढूंढ क्या खबर तेरा नसीबा कहाँ है। बात पता करनी हो किसी को, पूछनी हो, किसी ने कोई बात तो सवाल कर रहा है, किसी भाई ने पूछ रहा हूं, किसी को पूछ रहा हूं बच्चे के बारे में, बता रहा हूं उसको गार्जियन का दिया जी, बच्चे के बारे में बता रहा हूं आपको, बच्चे को गार्जियन का दिया उसको सिखा रहा हूं, दुआ है ना अल्लाह करम करे। बस आंखें बंद करें, अरे अल्लाह आंखें बंद करें, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बस आपके साथ हैं, तरीका बता देना, लगे रहेंगे इंशाअल्लाह। ये जो क्लब की तालीम है ना, अगर ये जिंदा हो जाए तो सुल्तान साहब से लोगों ने कहा क्या करामत है आपकी, ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा करते थे, वो फरमाने लगे मुर्दों को ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा करते थे इसमें शक नहीं, लेकिन बताओ जिसको जिंदा किया वो कहाँ है, जिसको जिंदा किया उन्होंने वो कहाँ है, वो मर गया होगा ना, कि मर गया वरना मौजूद होता ना जी। तो हम जो हजूर पाक के अदना से खादम है ना, लोगों के दिलों को जिंदा कर देते हैं, तो क्यामत तक मरेंगे नहीं। आप बताओ वो बेहतर है ये बेहतर,
ये बेहतर है क्या तक मरेगा नहीं, वो मर गया बीच में। तो जिनके कलब जिंदा हो जाते हैं ना वो क्यामत तक मरते नहीं, अगर क्यामत तक अल्लाह अल्लाह करते रहते हैं। बस एक दफा ये जिंदा हो जाए से, हाँ किसी तरीके से हो जाए। हाँ तो बुल्ले शाह ने फरमाया नच के यार मनाना पाने कंजरी बनना पैदा है तो किसी तरीके से वो राजी हो जाए। बस जिस तरह उनकी जो उनकी जो उम्र है वो मामा कितनी होगी, हजूबा कितनी होगी, किसकी मामा बताया नहीं गया ना, वो किसी भी उम्र में जाहिर हो सकते हैं। वो ऐसा था इमाम हसन अस्करी उनके बेटे थे इमाम नकी तकी, उनका एक बेटा था उसका नाम था मोहम्मद मैदी, वो उस वक्त गायब हो गया था मोहम्मद मैदी, हमला हुआ था उनके ऊपर वो छुप गए थे, वो दोबारा मिले नहीं। अब सीन का मकसद है कि वो मोहम्मद मैदी वापस आएंगे, लेकिन वो नहीं, वो लोग गया खत्म कैसे, अब वो इस इंतजार में ना वो आएंगे ना वो किसी मैदी को मानेंगे, ये उनके भी शैतानी धोखा हो गया ना, जो असली मैदी आएंगे वो तो जिस तरह दुनिया वाले आ रहे हैं इस तरह वो आएंगे, अगर असली मैदी इस तरह ना आए तवल्लद हो गए ना आए पैदाइश में ना आए तो फिर भी लोग इनको नहीं मानेंगे, फिर पता नहीं कौन आ गया किधर से आ गया, वो किसी दुनिया में से आएंगे पेट में से आएंगे ना, वो फिर उनको नहीं मानेंगे, वो उन्हीं के इंतजार में है कि वही इमाम मैदी जहर होंगे। अगर ख्वाब ऐसा है जिसमें कोई रूहानियत है तो किसी को बताने से अपनी बुजुर्गी जतलाता है तो ना बताए ना, तो लोग कहेंगे इसको अच्छा ख्वाब आया अच्छा आदमी है, तो फिर दोबारा ऐसे ख्वाब आते नहीं, अगर इन राजों को छुपा के रखे ना तो फिर बढ़ते रहते हैं, वरना लुट जाता है आदमी, तुम्हारे पास पैसा हो इधर उधर हार डालो कोई इधर से खींच के ले जाएगा कोई उधर से खींच के ले जाएगा लुट जाओगे ना, लेकिन अगर उसको संभाल के रखोगे तो फिर वो हो सकता है मजीद तरक्की कर जाए। इसे लोगों को कष्ट होते हैं ख्वाब आते हैं फिर रह नहीं सकते बताते हैं तो लुट जाते हैं, कौन भाई ये राज, ये अल्लाह के राज है ना, इसका मतलब है आप राजों को संभाल नहीं सकते फिर आपको राज देने की क्या जरूरत है, उसने तो आपको एक राज दिया है आपके लिए दिया, आप लोगों में बयान करेंगे लोग मुझे बुजुर्ग समझेंगे मेरी इज्जत करेंगे फिर वो लुट के दोबारा वो राज आपको मिलेगा। दुबई उसकी ये तबीयत हो गई कि रात होने से पहले जो है ना दस बना लिए, बोलता है कि मेरा मुझे ऐसे नहीं होता कि जैसे मेरे किसी से कोई चीज़ निकलती है, और मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ मुझे अपना जिसम बेसुध पड़ा हुआ नजर आता है, और आसमानों पर मैं जाता हूँ जाके मेरे ऊपर पाँच रंग मुझे अपने बदन में नजर आते हैं, सही कहता हूँ अल्लाह के बंदों में उसको जिक्र दिलाओ ऐसे लोगों को निकलता होगा ये तब तक उसके ऊपर बैतुल मामूर का तख उसमें वाकई लिखा हुआ है, लेकिन ऐसे आदमी को जिक्र दिलाओ उसके घर में रुकावट बनते हैं, हमने बड़ी कोशिश की है बच्चे के लिए कि आप बड़ा प्यार उससे करते हैं, ऐसे बच्चों क्या होता है ना अगर नूर आए ना तो और तरक्की होती है ना, अगर नूर ना हो ना फिर आस्ता आस्ता जाहिर होते होते ख़त्म हो जाते हैं, बहुत से ऐसे बच्चे देखे गए जो ख़त्म हो गए, लेकिन अगर नूर हो ना तो फिर वो ख़त्म नहीं होते हैं बढ़ते रहते हैं अपनी मंजिल तक पहुँच जाते हैं।
वो ये जाते हैं सबक जो डालते हैं इनके पास डालते समय होना के बाद फिर आता है जुम्मे को मामले वगैरह बांध के जाते हैं वो सिर्फ ज्यादा काम ज्यादा उनमें एक अमामे का है ना तो बाकी वही नमाजें वही गाड़ियां है ना अजाफी काम अमामे का है ना जी सर अगर हम कुरान में बने अमामे की जगह पे ना अगर कोई छोटे छोटे पंच हुए तो अमामे की जगह बन जाएगा क्या अफजल हो जाएगा अफजल तो दिल से होता है अफजल दिल से और ये अमामे उस वक्त के हैं जरूर तो सुनत है लेकिन ये निशानी है ये हजूर पाक के जमाने से है ये निशानी थी कि ये लोग जिनके बाल छोटे छोटे हैं ये मुजाहिद हैं हमारे ये जहाद लड़ा करेंगे ये निशानी थी और ये जिनके बाल बड़े हुए हैं ये हमारे मौलवी हैं तुम्हारे तुम्हें नमाजें पढ़ाया करेंगे ये उनकी निशानी थी और ये जिन्होंने पगड़ी पहन ली है इनके नफ्स पाक हो चुके हैं इनकी ताज़ीम करो लेकिन उनके नफ्स पाक होते थे फिर उनको इमाम पहनाते थे ना ये निशानी तो ये थी ये मुर्रे बिस्मी की निशानी है कि इनके नफ्स पाक हो चुके हैं ये तो आज दाऊद सलाम उसी वक्त पगड़ी पहना देंगे बल्कि और गुरूर आ जाता है नहीं ये निशानी है उस स्टेज में जाए तो पहुंचे तो सुन्नत है इस स्टेज में सुन्नत नहीं है इस स्टेज में मजाक है ये धोखा है इस स्टेज में वो दस्तार आप बच्चे बच्चे मदरसे में पढ़े दस्तार बांध देते हैं नहीं ये उस वक्त बांधते हैं जब वो इल्म हासिल करके फारग तहसील हो जाता है ये उसका नफ्स पाक हो जाता है भले जंगलों में रहे चिलों में उसके बाद जब शहर में आए तो फिर उसके ऊपर दस्तार बांध देते थे अमामा तो आप इसको तुम्हें कोई खतरा नहीं अब इसकी ताजीम करना अब क्या नफ्स पाक हो चुका है ये निशानी थी अब नफ्स पाक ही नहीं है ऊपर बांध दिया फिर धोखा है ना यही हमारी बात दाऊद अलैहि सलाम को बुरी लगी है ना कि हमारे खिलाफ हो गए वो कहते हैं कि एक सुन्नत 100 शहीदों का सवाब मिलता है हमने वो जिंदा करी है हमने कहते हैं सुन्नत तब काम आती है ये एक अदा है तब काम आती है जब यार देख रहा हो तो वो रब देख रहा हो तब ये सुनते हैं दाढ़ी काम आती है वही नहीं देखता तो फिर तो काफिरों की भी इतनी दाढ़ी है कहते हैं मैं तो दिलों को देखता हूँ जब दिल साफ हो जाएंगे वो दिलों को देखेगा फिर इन दाढ़ियों का फायदा फिर समामे का फायदा होगा हम ये कहते हैं तो ये बातें खिलाफ लगती हैं हमारी पीछा हमारी ये काट कर रहे हैं इस वजह से वो हमारे साथ खिलाफ हो गए कि हम सुनतों के काम करें ही उसकी काट कर रहे हैं तो हम कहते हैं हम दाढ़ी के या तुम्हारे इमामे के खिलाफ नहीं लेकिन जिस वक्त तुम इसके मुजाज हो जाओ अब उस वक्त तुम पहन उस वक्त पहन इससे उससे पहले पहनना धोखा है कोई कहते हैं 40 साल करेंगे कोई कहते हैं 10 साल करेंगे 10 साल करेंगे क्योंकि वो आखिरी वली है उनके बाद वलायत खत्म हो जाएगी जिससे हजूर पाक आखिरी नबी है वो आखिरी वली है हजूर पाक के बाद इस वक्त जो मर्तबा है ना तो वो हजरत अबू बकर सिद्दीक इस वक्त जो मर्तबा है तो जब मेहदी रसूलुल्लाह आएंगे ना हजूर पाक के बाद मेहदी रसूलुल्लाह तब उनको अलैह सलाम के नाम से पुकारा गया क्योंकि अलैह सलाम तो नबूवत में होती है अब वो चूंकि अगर नबूवत खत्म ना होती तो नबी ही होती नहीं
मेरा मकसद है, अगर ये बात होनी होती तो हजूर पाक के साथ होती, हर कोई आपको मान लेता ना, तो फिर कुफर के कैसे रहता? क्यों जी? हजूर पाक के साथ ऐसा नहीं हुआ, कुफर को भी रखना था, तो मेहदी इस्लाम के साथ ऐसा कैसे होगा? जब दजाल को भी रखने साथ वो सबके लिए हिदायत नहीं, सबको हिदायत नहीं देता, मुसीबत तो ही है ना। अगर सबको हिदायत दे तो हजूर पाक को ही बिल्कुल ही सुनाई निकलना शुरू हो जाती, हर कोई देख के मान लिया, लेकिन उसे नहीं चाह ना। जिनको चाह, जिनको नहीं चाह, उन्होंने कलमे चांद को दो टुकड़े देगा फिर भी नहीं माना, और जिन्होंने चाह वो सुन के भी मान देगा। बल्कि इमाम शाह गए ना, वहां कुछ लोगों ने वलियों की बनाई हुई थी कि वली हम उसको तस्लीम करेंगे। क्या, किसको? कि जो ना खाएगा ना पिएगा हम उसको वली तस्लीम करेंगे। कहा ना ऐसा आदमी आएगा ना उसको मानेंगे, पेशावर हम भी करते हैं, वो भी करे तो वही क्या होगा? उन लोगों के जहन में ये बात डाली हुई, इसी तरह शिनू ने उनके जहन में ये बात डाली हुई। ऐसे लोग हैं जो महरूम रहेंगे। नहीं, उनका जो कंट्रोल होगा ना लोगों के दिलों पे, उनका मोमनों के दिलों पे होगा, और जो दज्जाल है उसका दूसरे फासकों के दिलों में, वो उधर चले जाएंगे, वो इधर चले जाएंगे। भाई अगर एक गधे पे आ रहा है तो हम उसको तस्लीम करना पड़ेगा ना, एक आंख कहानी होगी, कहेंगे यही दज्जाल है ना, तो फिर उसके पास जाएंगे क्या? तो पता है हमको, जब पता है कि जो उसके पास जाएगा उसी का होकर रहेगा, तो फिर उसके पास जाएंगे क्यों? नहीं होगा, गधे पे सवार होगा, पूरी शैतानी ताकत उसमें आएगी, उसका मकसद ही है। और एक आंख से काना होगा, यानी ये बातनी इलम से महरूम होगा, ज़ाहिरी इलम में फुल होगा, बातनी इलम में महरूम होगा। वो कुछ शैतान नहीं होगा, तुम्हारे मौलवियों की तरह कोई होगा, जो बड़ा मौलवी होगा वो अपने आप को दज्जाल कहेगा। तो तभी 50,000 उलमा उसकी बैत करेंगे ना। भाई अगर फासिक फाजर और शैतानी हो तो उसके पास कौन जाएगा? लेकिन यकीन करो फासिक फाजर वो इतना बड़े शैतान नहीं है। बड़े शैतान कौन है? ऐ कोई लड़का शरारतें करता है, लोग कहते हैं बहुत शैतान है, कहते हैं ना शराबें पीता है, नहीं, शैतान की ये खासियत तो नहीं है। ये असली शैतान है ना, बहुत बड़ा नमाजी था, वो असली शैतान वो भी असली शैतान का उसमें पावर होगा ना, तो वो भी इसी तरह होगा, का नमाजी होगा, सब सुनते सुनते जानता होगा, बस अंदर से वो शैतान की तरह खोटा होगा, बाहर से उसकी तरह इबादत गुजार होगा। जेरी में सब अंदर से, यही वजह ना कि वो जो लोग हैं उलमा किस्म के लोग उस तरफ चले जाएंगे ना। भाई अगर वो शैतानी और शैतानियां का कौन, उसी तरह मुसलमान कौन जाएगा? और आलम, आलम कैसे जाएगा उसी तरह? वो इल्म में इन आलमों से ज्यादा होगा, तभी उसको अपना उस्ताद मानेगा ना, इनके हर मसले का जवाब इनको बताएगा, असली शैतान वो। अगर बच्चों को कहते शैतानी की ये शैतान है, ये नकली है बेचारा, असली शैतान की शर्त है नमाजी भी हो, तहजीद गुजार भी हो, सारे मसले जानता भी हो, अंदर से काला हो, वो असली शैतान हो, अंदर उसमें तकब्बुर हो, ये असली शैतान की निशानी है ना। तो लोग इनको कहते हैं शैतान, और ये शैतान है तो अपने लिए है ना भाई, ये शैतान, और वो जो शैतान है ना वो सारी दुनिया को गुमराह कर देता है ना भाई, वो सबके लिए है ना, वो तो सबको गुमराह कर देता है। ये जो 72-73 फिरके बताए वो शैतानों ने बनाया ना, तो उन्होंने जोहरियों चश्मे नहीं बनाए, वो तो अपने लिए देखे, मर गए मर गए, वो मर गए फिर भी उनके फिर के जा रही है, असली शैतान वो होगा। हाँ हाँ, वो जहर हर किस्म का मसला जाने का, कितने साल लेगा अभी वो जहर होने में? सुना आ गया है, सुना है आया हुआ है, थोड़ी सी बात है। वैसे हमने लाल बाग में देखा था उसको, देखा था आज से 15-16 साल पहले,
थोड़ी देर मेरे ख्याल में उस वक्त 30 के लगभग होगा। 30-32 या 28 शक नहीं, मैंने देखा मुझे शक था लेकिन ये नहीं है, वो एकदम उभरेगा। जो उसको नहीं मानेंगे तसरफ आ जाएगा, जब इंतहा हो जाएगी फिर उसको शैतानी तसरफ आ जाएगा, इधर रहमानी तसरफ आ जाएगा, तो इनका टक्कर होगा। फिर जो मेहदी अलैहिस्सलाम की किसी की नजर डाली, सलब करना चाहो उसकी रूह सलब कर ली, उसमें भी यही ताकत आ जाएगी, किसी में नजर डाली वो भी उसकी रूह सलब कर लेगा, शैतानी ताकत आएगी। फिर मेहदी अलैहिस्सलाम को भी ताकत दी जाएगी, हवा में उड़ के जा सके, उसको भी ताकत दी जाएगी। अगर तीसरी जंग होगी तो उन्हीं लोगों के लिए होगी, उन्हीं को जाहिर करने के लिए। तो पहले आलमगीर जंग होगी, लोग थोड़े रहेंगे, फिर ये मसला उठेगा। इमाम मेहदी परेशान होकर चले जाएंगे, जब इतना इनको परेशान करेगा फिर ईसा अलैहिस्सलाम की मदद के लिए आएंगे, फिर वो कहेंगे चलो, क्योंकि सारे मुसलमान तो उसको उसकी तरफ चले जाएंगे, जिनके ऊपर उनको तवक्को थी वो उधर चले जाएंगे दज्जाल की तरफ, थोड़े छोड़ जाएंगे। जाकरीन उनको पहचानेंगे, नहीं जाकरीन नहीं मिल सकते, ये उनको पहचान लेंगे, तो उनमें भी अल्लाह अल्लाह होगी, इनमें भी अल्लाह अल्लाह, वो खाली है वो भी खाली है, खाली खाली उनके साथ लगे अल्लाह अल्लाह वाले उधर लगे ये तो अल्लाह। ये जो लोगों को कशवरा दिया जाता है यही वजूहत है, तो मेहदी अलैहिस्सलाम को पहचानने में आसानी हो जाएगी, कश की वजह से आसानी हो जाएगी, कलब की वजह से आसानी हो जाएगी, फिर जो वक्त के वली हैं वो इसकी तस्दीक करेंगे। लेकिन जितने भी वक्त के वली हैं उतने सब के मुखालफ हैं तुम्हारे वाले उलमा लोग, तो गमगोशी वाले हैं उनके मुखालफ उलमा लोग, वो जिसकी तस्दीक करेंगे उसकी नफी करेंगे। ये उम्मत में बड़ा इम्तिहान होगा, बड़ी परेशानी होगी। अब भी कई वली कहते हैं कि ये जो जाकरी सरफरोश हैं कि मेहदी अलैहिस्सलाम की फौज तैयार की जा रही है, कई दफा जाकर गए ना तो वलियों ने कहा कि उनकी फौज तैयार की जा रही है। उनके माने वो क्या बनेगा अगर वही लोग पूछ हो गए, वक्त ही बताएगा क्या होगा। कुछ करेगी ना फौज, ऐसी फौजी बन जाएगा। लेकिन मेहदी अलैहिस्सलाम जो वहाँ होंगे उनको लोग मानेंगे ना, तो वो कहेंगे ईसा ही है तो लोग मानना पड़ेगा, वरना इस तरह के उनको लोग कोई नहीं मानेगा, कहेंगे पतन जादू करे कहाँ से आ गया, खाने काबा में। और ये परेशान होकर खाने काबा में चले जाएंगे, मेहदी अलैहिस्सलाम जाकर बैठ जाएंगे, तो मुसलमान तो सारे उधर लग गए, मैं आप क्या करूँ, ये इनका इब्तिदा होगा, फिर ईसा अलैहिस्सलाम इनकी मदद को आएंगे, तो फिर ये फौज यहाँ की वो भी इनके साथ हो जाएगी, फिर इनको वो पावर दी जाएंगी,
इससे पहले पावर नहीं होगा ना, फिर पावर होगी, जिसको दी जाओ सलग कर दो, जिसको दी जाओ खड़ा कर दो, ये आखिरी पावर होगी। दुआई है जी, बस अल्लाह ला दुआई बन जाती है, ये दुआ भी जरूरत ही नहीं रहती। बस अभी जो तुमको बताया सबक ये नसीहत है, नमाज करो, जिक्र कर लेना, आंखें बंद और अल्लाह 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 बस। और सुनिए जिक्र वाले बस यार।